Have discussed here about linearly independent function. दो functions given हैं, उनके पास cos natural log x square इसका जो है inner है और sin natural log x square इसका inner है. ठीक है, sin का inner है. और इसका हम लोगों ने करना है, बताना है कि क्या ये function जो है linearly independent हैं या linearly dependent हैं. सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, रॉन्सकीन का फॉर्मूला लिख सकते हैं. w इक्वल टू y1 y2, दो फंक्शन है ना, y1 का स्क्वायर, y1 का प्राइम, y2 का प्राइम. ठीक है, डेरिवेटिव मतलब फिर फंक्शन लिखे, उनका डेरिवेटिव किया. कॉस का हमें पता है माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स होता है. जब इनर का करते हैं तो सबसे पहले तो लॉग का जो है वन बाई फोर टर्म आ जाती है. फिर इसका इनर भी तो है ना, ये एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से जब साइन का करते हैं कॉस आ जाता है और ये टर्म पूरी आ जाती है. इनर का करते हैं जब तो लॉग लेते हैं, तो लॉग का मतलब होता है कि उसको डिवाइड किया जाता है, उसी टर्म को डिवाइड कर दिया जाता है. फिर टू एक्स आ जाता है इसका इनर. ठीक है, अब ये हम लोग के पास एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से एक एक्स और एक एक्स कैंसिल हो गया. बाकी का जो यहाँ पर हम लोग के पास बचा है, बचता है तो ये हम लोग के पास क्या डिटर्मिनेंट है. और ऑर्डर देख सकते हैं आप, वन टू दो रोज हैं और दो कॉलम है. टू क्रॉस टू का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में साइन नेगेटिव का आ जाता है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. ठीक है, जब हमने ये किया तो हम लोगों के पास फाइनली उसको कैंसिल वगैरह करके तो जब आता है तो टू बाई एक्स कॉस स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है और टू बाई एक्स साइन स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है. इनमें अब दोनों में कॉमन जो है वो हम लोगों के पास टू बाई एक्स है. ठीक है, उसको हमने कॉमन ले लिया, अंदर ही आ गया. अब हम लोगों को पता है हम लोगों के पास जो सिंपल फार्मूला होता है वो ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है. ठीक है, तो इनका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर यही है और इनर भी इन सेम है, तो इसलिए हम लोग इस पूरे की टर्म की जगह वन लिख लेंगे. ठीक है, इसकी जगह वन लिख लिया, टू बाई एक्स, तो आंसर जो आ गया टू बाई एक्स आ गया. जो रॉन्सकीन आया हम लोग के पास वो जीरो के इक्वल नहीं आया, इसलिए अगर रॉन्सकीन जीरो के इक्वल ना आए तो वो फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है. तो इसलिए ये जो हम लोग के पास कॉस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर और साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.